खबर यूपी के बलिया के सिकंदरपुर से है, जहां भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक संजय यादव ने विजय जय अभियान का शुभारंभ अपने विधानसभा क्षेत्र के भागीपुर चकिया अजूर अजनेरा दुरोधा व धनौती गांव से किया। भाजपा प्रत्याशी जैसे ही पहुंचे कि पहले से मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने संजय यादव को फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आप लोग एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाएं, भाजपा सरकार में सभी सुरक्षित हैं, क्षेत्र में चारों तरफ चौमुखी विकास किया हूं। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों के लोगों ने भाजपा सरकार बनाने का मन बना लिया है। सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ है, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया है। भाजपा प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार आपको इस क्षेत्र में जाने का मौका दिया है, क्योंकि आप इस क्षेत्र में विधायक रहे हैं, तो कितना अंतर मानते हैं 2017 और 2022 के चुनाव में? निश्चित रूप से 2017 में मैं इस क्षेत्र के लिए नया था, और अभी तो पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से इस क्षेत्र के लिए मेरे द्वारा और मेरी पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर समाज के हर वर्ग के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उनको जिस प्रकार से हम लोगों ने हल करने का काम किया है, जिसके नाते से आज सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देने का मन बना चुके हैं। अच्छा सर, देखा जाए जिस तरह से विपक्षियों का कहना है कि सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक भी विकास का काम जो बता दे, जो कराया गया हो, इसको कितना सही मानते हैं आप? यहीं पे खड़े हैं, यहीं देख लीजिए, चारों तरफ आपको सड़क दिखाई दे रही है। पूरे पूरे क्षेत्र में किसी भी कोने में आप जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि हमारी सरकार के द्वारा सड़कों का निर्माण हुआ है, बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे क्षेत्र में आई हैं। देखिए सर, सीधा सीधा किससे भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है इस बार? भारतीय जनता पार्टी का किसी से भी कोई टक्कर नहीं है, आपको 10 तारीख के बाद मालूम पड़ेगा। समाज के हर वर्ग का वोट सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है।